हम लोग सभी जानते हैं कि राधा कृष्ण पूरे संसार के लिए प्यार का प्रतीक है। राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग जरूर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राधा कृष्ण के बिना अधूरे हैं और कृष्ण राधा के बिना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राधा रानी जन्म के समय अंधी पैदा हुई और फिर कैसे उनकी दृष्टि वापस आई, इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे, तभी राधा वहां आ गई और वे विरजा के श्री कृष्ण के साथ देखकर नाराज हो गई और वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदमा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदमा को अगले जन्म में शंखचूर नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिए। इस पर श्रीदमा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। श्राप के कारण राधा रानी को कृष्ण जी से पहले पृथ्वी पर जन्म लेना था, लेकिन जब यह बात राधा रानी को पता चली तो वह नाराज हो गई, क्योंकि वो कृष्ण जी के जन्म से पहले धरती पर जन्म नहीं लेना चाहती थी। तब कृष्ण जी ने समझाया कि ये नियति का खेल है, नियति में यही होना है। तब राधा रानी को बहुत समझाने के बाद अंत में वह इस शर्त पर सहमत हुई कि वह पृथ्वी पर अवतरित तो आपसे पहले जरूर होगी, लेकिन अपनी आंखें तभी खोलेगी जब श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट होंगे। विष्णु जी ने यह शर्त मान ली। कुछ दिनों बाद एक स्थानीय सरदार विश्वभानु यमुना नदी में एक विशाल कमल पर तैरती हुई बच्ची राधा को पाते हैं। विशाल भानु बच्ची को देखकर खुश हो गए और उसे अपने घर ले गए। उन्होंने और उनकी पत्नी ने बच्ची का नाम राधा रखा, लेकिन दंपति ने जल्द ही देखा कि राधा अपनी आंखें नहीं खोल रही है। इसके बाद दंपति लगातार बच्चे की आंखों की रोशनी को ठीक करने के लिए सभी वैद्य हकीम के पास गए, सभी मंदिरों में प्रार्थना भी किए, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। ऐसे ही 11 महीने बीत जाने के बाद उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तब ऋषि नारद विश्वभानु के घर जाते हैं। चिंतित पिता अपने बच्चे के अंधेपन का समाधान पूछते हैं। नारद जो राधा के आंखें न खोलने का कारण जानते थे, उन्होंने विश्वभानु को एक सलाह दी कि आप नंद राय और यशोदा को अपने घर आमंत्रित करें, क्योंकि यही आपकी बच्ची का इलाज है। विश्वभानु बोले कि उनके आने से कैसे बच्ची ठीक हो सकती है। तब नारद जी बोले आप हम पर भरोसा रखें, सब अच्छा होगा। विश्वभानु फिर नंद राय को अपने घर आमंत्रित करते हैं। जल्द ही नंद राय, यशोदा, रोहिणी, बलराम और कृष्ण विश्वभानु के घर पहुंचते हैं। मेहमान राधा को देखने के लिए उतावले थे और विश्वभानु कृष्ण को देखने के लिए। तब विश्वभानु अंधी राधा को लेकर आते हैं। सभी मेहमान एक दूसरे से मिलकर बातें करने लग जाते हैं और राधा कृष्ण को एक ही पालने में सुला देते हैं। जैसे ही राधा को कृष्ण की उपस्थिति का आभास होता है तब वह अपनी आंखें खोलती हैं और वह पृथ्वी पर जो पहली चीज देखती है वह है नन्हा कृष्ण जो उसे ही देख रहा है। इस तरह राधा रानी ने अपना वचन पूरा किए। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखे और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।